जी हाँ दोस्तों, अभी अभी की सबसे बड़ी दुखद खबर आ रही है। दोस्तों बता दें कि बिहार में पुल टूटने से कई लोगों की मौत हो गई है। दोस्तों बता दें कि यह दर्दनाक और बड़ा हादसा बिहार में हुआ है। तो आइए जानते हैं कि यह दर्दनाक हादसा कैसे हुआ है, इसमें कितने लोगों की मौत हुई है और साथ ही साथ दोस्तों कितने लोग इस घटना में घायल बताए गए हैं, इसके बारे में हम आपको जानकारी बताएंगे। तो अगर आप भी भारत के चाहे कहीं से भी हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। दोस्तों बता दें कि बिहार के सुपौल में कोसी नदी पर रहे पुल के दौरान बड़ा हादसा सामने आया है। दोस्तों बता दें कि पुल का काम चल रहा था तभी अचानक स्लैब गिर गया। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई है और कई मजदूर के दबे होने की आशंका है। यानी कि दोस्तों बता दें कि उसमें कई मजदूर नीचे दबे हुए हैं और बता दें कि उस पुल के अंदर बहुत सारे मजदूर दब गए हैं, जो कि बहुत सारे मजदूरों के दबे होने की आशंका है। इसके अलावा दोस्तों बता दें कि पुल के नीचे से एक लाश बरामद हुई है और बाकी जो मजदूर अभी उस पुल के नीचे दबे हुए हैं उन्हें प्रशासन द्वारा उनकी तलाश की जा रही है। और बता दें कि बड़े बड़े क्रेन से उस पुल को हटाया जा रहा है जिसमें सभी मजदूर दबे हुए हैं। तो ये बेहद दुखद घटना बिहार के सुपौल में हुआ है। दोस्तों बता दें कि बिहार के सुपौल में नया पुल बन रहा था जिसमें पुल गिरने से यह हादसा हुआ है। दोस्तों बता दें कि यह पुल पिछले कई सालों से बन रहा था और अचानक आज गिर गया है, जिसके नीचे दब करके कई मजदूर मर चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों बता दें कि अभी बहुत सारे मजदूर उसके नीचे दबे हुए हैं और जैसे ही पुल को हटाया जाएगा तो सारे मजदूर उसमें दबे हुए हैं जो कि बाहर निकाले जाएंगे, जिसमें अभी तक यह कंफर्म तो नहीं हुआ है कि मजदूर जिंदा हैं या फिर बचे हुए हैं। जैसे इसको लेकर के कोई भी खबर आएगी तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में एक और नई जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।